बकासुर, मैं अपनी किरणों की ताप से तुझे छलनी छलनी कर दूंगा। पुत्र कार्तिकेय, इस असुर के उदर को फाड़कर अपने पिता के सखा श्री कृष्ण को मुक्त कराओ पुत्र। मैंने कहा था, तुम में से कोई भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तुम देवताओं का तो सामर्थ्य ही क्या, स्वयं देवों के देव महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कृष्ण को अपने उदर में ही बचा जाऊंगा मैं। शिवशंकर का त्रिशूल है, एक ही बार में इस असुर का प्राण ले लेगा ये। हाँ, महादेव का त्रिशूल। कहा था मैंने, स्वयं महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजय हूँ मैं, अजय। प्रभु, आपके त्रिशूल की महिमा तो अपरंपार है, तो फिर ये ठहर क्यों गया? आपने अपने त्रिशूल को वापस क्यों ले लिया महादेव? इस दुष्ट का संहार क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं, मेरे सखा नारायण के अवतार श्री कृष्ण के हाथों ही होगी, और यही विधि का विधान है। पर पिताजी, श्री कृष्ण तो इस असुर के उदर में फंसे हुए हैं, हम उन्हें मुक्त कैसे कराएंगे? ये उन्हें स्वयं ही मुक्त करेगा पुत्र। श्री कृष्ण अपने अपमान से क्रोधित नहीं होते, पर अपने भक्तों का अपमान वो क्षण भर भी सहन नहीं कर पाते। वकासुर यही भूल कर रहा है, हम सबका निरंतर अपमान करके वो उन्हें क्रोध दिला रहा है। वो ये नहीं जानता कि शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में रख पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। क्या हुआ महादेव, पराजित होकर भी मुस्कुरा रहे हैं? पर अब तो महादेव कहलाने के भी योग्य नहीं रहे आप। असफल देवताओं की इस अयोग्य सेना को लेकर चले जाइए यहां से।
ना ये मेरा सामना कर सकते हैं और ना ही आप। मेरी शक्ति के सामने आप अक्षम हैं महादेव। सुधा, जिस तुसने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जले को छटपटाए को पीड़ा से कराए को, जिस तुसने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जले को छटपटाए को पीड़ा से कराए को। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भीतर से जल रहा हूं मैं? ये क्या हो रहा है मुझे? हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से कुकर्म किए थे कि मुझे ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई, और ऐसे कौन से सुकर्म किए थे कि आपके हाथों से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है प्रभु? सीमित स्मरण करो, हे गिरीश की पुत्र वक्कासुर। स्मरण करो कैसे अपने पिता की तरह अभिमान से भरे हुए थे तुम। स्मरण करो कैसे हमें पराजित करने के लिए पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया था तुमने, और हमें विवश होकर पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। स्मरण करो कैसे तुमने देवराज इंद्र का छत्र चुरा लिया था। पर ये सब भी पर्याप्त नहीं था वक्कासुर, तुम्हारे पापों का घड़ा तब भरा था जब तुमने देवी गंगा के जल में साधना करते हुए जजाली मुनि की तपस्या में व्यवधान डाला था। रुक क्यों गए चालक? नौका को आगे की ओर ले चलो। आगे बढ़ना उचित नहीं होगा महाराज, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जालजली मुनि तपस्या कर रहे हैं। तो
मेरे मत्स्य आखेट के क्षेत्र में इसने तपस्या करने की भूल की है। मेरे ही राज्य में मेरा कोई क्षेत्र मेरे लिए वर्जित हो, ये मुझे स्वीकार नहीं है। आपने पर्याप्त मत्स्य आखेट कर लिया है महाराज। यदि तुम इन मछलियों का आहार नहीं बनना चाहते हो, चुप चाप मेरी आज्ञा मानो। क्षमा क्षमा महाराज। मुनिवर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मुनिवर, हमारे प्राण बचाइए मुनिवर, मुनिवर हमारे प्राण बचाइए। ठहर जाओ सुरराज। इन मछलियों को हानि ना पहुंचाओ। क्यों मुनि? अब मछलियां पकड़ने के लिए मुझे तुमसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। तुमने तपस्या करने से पहले किससे आज्ञा ली थी? माँ गंगा से, इस जल में रहने वाली सभी मछलियों से। इस उपकार के बदले इन सभी मछलियों को रक्षा करने का वचन दिया था। इसीलिए असुरराज, मैं शांति से कह रहा हूँ, इस स्थान को अशुद्ध ना करो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम जिन देवताओं की तपस्या कर रहे हो ना मुनि, उन्होंने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, और तुम मुझे धमकी देने का दुस्साहस कर रहे हो। मूर्ख, विचारों से तो तू राक्षस है ही, और स्वभाव से उस बगुले की तरह है जो भूख ना होने पर भी उन निर्दोष मछलियों को आहार बनाता रहता है। इसलिए अभी इसी क्षण से तू वकुला का जीवन जिएगा। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। श्राप पाने के बाद तुम्हें आभास हुआ कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया था, और तब तुम जजाली मुनि से क्षमा याचना करने लगे। तुम्हारे अपराध बोध को जानकर मुनि से शांत हुए और उन्होंने तुम्हें वरदान दिया। श्राप से मुक्ति का एक ही मार्ग होता है असुर, पश्चाताप। तुम्हें अपने भूल का पश्चाताप है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति अवश्य मिलेगी। स्वयं प्रभु श्री नारायण के अवतार इस बगुले के देह के बंधन से तुम्हें मुक्त करेंगे। प्रणाम स्वीकार करें प्रभु।